उत्तर भारत समेत देश भर के इन राज्यों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी क्षोभ हिमालय क्षेत्र पर बना हुआ है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिति बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में बिखरे तौर पर हल्की से मध्यम बारिश, तेज गति से आंधी और अंधड़ चलने की संभावना भी बन रही है। इसी दौरान साथ ही साथ अरब सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र, जो कि धीरे धीरे डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन से समुद्री चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 8 और 9 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के नजदीक पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से अरब सागर की नमी वाली हवाएं मैदानी राज्यों विशेषकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर पर पहुंचने लगेंगी, जिसकी वजह से पूरे इलाके पर पश्चिमी मरुस्थलीय पवनों के साथ ही नमी वाली हवाओं के मिश्रण से पूरे इलाके पर उमस भरी गर्मी से पसीने छुड़ाने वाली गर्मी देखने को मिल सकती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भी केरल पर दस्तक देने वाला है। परिस्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं। मानसून केरल पर दस्तक देने की संभावना बढ़ती जा रही है। अगले दो दिनों के अंदर केरल पर मानसून पहुंच जाएगा। केरल सहित कर्नाटक और महाराष्ट्र के तट पर तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का मौसम साफ और गर्म रहने की संभावना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में धूलभरी आंधी के साथ में कुछ इलाकों में बारिश के साथ में ओले भी गिर सकते हैं। दूसरी ओर अरब सागर में बनने वाला संभावित चक्रवाती तूफान मुंबई पर कर सकता है लैंडफॉल। आईएमडी मॉडल में मिली जानकारी के मुताबिक अब चक्रवाती तूफान की 11 से लेकर 14 जून के बीच मुंबई, महाराष्ट्र पर लैंडफॉल करने की संभावना नजर आ रही है। यह चक्रवाती तूफान अत्यंत गंभीर रूप भी ले सकता है। ज्यादा संभावनाएं अभी तक इसकी किसी और दिशा में जाने की, भारत की ओर बढ़ने की संभावना कम नजर आ रही है। हालांकि आईएमडी मॉडल दिखा रहे हैं कि यह सिस्टम मुंबई से टकराएगा। मध्य प्रदेश राज्य के इन इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश के आसार हैं। राज्य में श्योपुर, किला, धार, बैतूल, रायसेन, इंदौर, भिंड, उज्जैन, छिंदवाड़ा, नीमच, सागर, रतलाम, दमोह, सिवनी एवं मंदसौर जिलों में गरज और चमक के साथ तेज गति से हवाएं चलने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी में भी बन रहे चक्रवात के चलते पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश देखने को मिलेगी। राज्य में आज भी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, येनम, कर्नाटक और तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी अलग अलग इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। बिहार में कुछ स्थानों पर हीट वेव से गंभीर हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। हीट वेव की स्थिति पूर्वोत्तर झारखंड, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, तेलंगाना, विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल सकती है। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।